और हमारे साथ नीलेश लगातार बने हुए हैं। नीलेश, जरा बताएं पावर प्ले के तौर पर आज आपकी रणनीति क्या होगी, कौन से स्टॉक्स आपके रडार में? हाँ बिल्कुल, देखिए दो स्टॉक रडार पर हैं खरीदारी के लिए, और सबसे पहले कैश स्टॉक है PCBL। इस पर्टिकुलर स्टॉक में काफ़ी बेहतरीन ब्रेकआउट हमें आज के सेशन में देखने को मिल रहा है, तो PCBL इस पर्टिकुलर स्टॉक को लॉन्ग करने की सलाह होगी। करंटली ये 521 के आसपास ट्रेड हो रहा है, हम यहाँ से इस पर्टिकुलर स्टॉक को 530 के ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं। पहला टारगेट होगा 535 का, दूसरा टारगेट होगा 550 का, 535 और 550 के टारगेट के लिए खरीदना होगा, 513 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखकर चलना होगा। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक रडार पर है वो है IEX। सारे ही एक्सचेंज शेयर्स में हमें काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, IEX में भी हमें फॉलो अप मूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, 232-235 तक का मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 224 का स्टॉप लॉस रख के IEX में अगर थोड़ी सी डिप मिले तो इसे लॉन्ग करके चलने की सलाह हो। तो PCBL और IEX ये पसंद आता, IEX का एक बार लक्ष्य जरा बता दीजिए नीलेश जी। बिल्कुल, 232 पहला टारगेट, 235 दूसरा टारगेट होगा, 224 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ठीक है, तो ये है नजरिया IEX पर आता हुआ साफ तौर पे। चलिए थोड़ा समय बाकी है तो कुछ और स्टॉक्स पर भी ज़रा चर्चा कर लेते हैं। आज हम देख रहे हैं कि जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड शेयर्स हैं उनमें ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिल रही है। HEG देखिए, इस वक्त अगर हम देखें तो लगभग 9.25% की तेज़ी HEG लिमिटेड में हम देख पा रहे हैं। वहीं ग्रेफाइट इंडिया में देखिए 8% से ज़्यादा की तेज़ी हमें ग्रेफाइट इंडिया में भी देखने को मिल रही है। बताएं नीलेश जी, जो फैक्टर्स हैं, जो खबर है वो सबसे बड़ी तो यही है कि जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है रेजोनेट ग्रेफाइट का, और उसने कीमतें 20% तक बढ़ाने का ऐलान किया है, और उसका इम्पैक्ट जो है वो हमें ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड जो शेयर्स हैं उनमें नज़र आ रहा है। तो HEG लिमिटेड और ग्रेफाइट इंडिया कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए यहाँ पर दोनों ही स्टॉक में हम एक डेड कैट बाउंस जिसे हम कहते हैं हमें वो देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम अट्रैक्शन काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, मोर देन एवरेज वॉल्यूम्स यहाँ पे आज के सेशन में हुए हैं, तो एक फॉलो अप मूव HEG में हमें आता हुआ नजर आ रहा है। 2400 से 2450 तक का मूव एक्सटेंड हो सकता है। 2190 2190 के स्टॉप लॉस से इस पर्टिकुलर स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन है तो बने रह सकते हैं, बट फ्रेश खरीदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे निवेश करने की सलाह नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी 9-10% का उछाल हमें इन दोनों ही स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। सिमिलरली ग्रेफाइट में भी लगभग 8% का उछाल है, और यहाँ पर अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो 550-560 की जोन में करना होगा। कोई अगर ऑलरेडी होल्ड कर रहा है तो 560 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं और 600 से 620 तक का ये मोमेंटम प्ले करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये राय है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरर्स पर। आगे बढ़ते हैं, शुगर शेयरों पर भी नज़र डाल लेते हैं। फूड सेक्रेटरी का की कुछ कमेंट्री निकल कर आई है कि शुगर प्राइसेस बढ़ाए जा सकते हैं, और इसी के साथ एथेनॉल प्राइसेस जो पिछले 1-2 साल में नहीं बढ़ाए गए उस पर भी इंडस्ट्री की उम्मीद है कि शायद एथेनॉल प्राइसेस भी बढ़ाए जाएंगे। बलरामपुर चीनी पर फोकस करेंगे, स्टॉक में तेजी भी दिखी है। नीलेश आपसे पूछना चाहूंगी, बलरामपुर चीनी के चार्ट्स पर क्या राय बनेगी? देखिए एकमात्र स्टॉक जो टेक्निकली बेटर प्लेस नजर आ रहा है विद इन शुगर स्पेस वो है बलरामपुर चीनी, और इस पर्टिकुलर स्टॉक में काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन 560-555 की जोन में बना है। तब यहाँ पे हम एक फॉलो अप मूव टूवर्ड्स 585 से 600 तक की जोन में आता हुआ देख रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे इसे ऐड करके चल सकते हैं एंड 560 का स्टॉप लॉस लगाएं। 585 से 600 तक का मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये राय है बलरामपुर चीनी पर, शुगर स्टॉक्स में आज एक्शन दिखा है। नीलेश जाते जी, ग्रुप कंपनियों में से रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर ने लेंडर्स के साथ कर्ज का सेटलमेंट कर दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनुराग जोशी जुड़े हैं। जी अनुराग, बताएं क्या जानकारी है? ADAG ग्रुप के दो अहम कंपनियां रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने बैंकों, वित्तीय संस्थानों और ARCs को अपने कर्जे चुकाए हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने ये भुगतान करने के बाद अपनी कर्ज की रकम 475 करोड़ रुपए
कर ली है जो कि पहले 3831 करोड़ रुपए थी। रिलायंस इंफ्रा के लेंडर इन्वेंट ARC के जो रकम जो बकाया थी उसका भी निपटारा हो गया है और रिलायंस इंफ्रा ने अन्य लेंडर्स जिनमें LIC, Edelweiss, ARC, ICICI बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं उनके साथ भी सेटलमेंट कर दिया है। दूसरी तरफ रिलायंस पावर ने भी अपने कर्ज अपने को ज़ीरो डेट कर लिया है और उनकी एक सब्सिडरी थी रिलायंस विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर जिसके कर्ज का भुगतान हो चुका है। रिलायंस विदर्भ पावर को की टोटल कर्ज की रकम 3872 रुपए थी और उनकी जो ARC है CFM एसेट रिकंस्ट्रक्शन उनके साथ यह कर्ज का निपटारा हो चुका है और इस तरह अभी रिलायंस पावर एक जीरो डेट कंपनी हो चुके हैं। अनुराग शुक्रिया पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। FMCG सेक्टर पर नजर डाल लेते हैं और उसमें सबसे बड़ा गेनर आज के ट्रेडिंग सेशन में रैडिको खैतान है। स्टॉक में करीब 3.5% की तेजी आज दिखी है। इनफैक्ट पिछले 5 दिनों का चार्ट देखें तो करीब 12% की तेजी इस स्टॉक पर दिखी है, कुछ दिनों से फोकस में रहा है। निलेश, रैडिको खैतान FMCG इंडेक्स का सबसे बड़ा गेनर, चार्ट पर देखें तो क्या राय होगी? देखिए सर, अंडरटोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग जरूर है यहाँ पर, लगातार तीसरे कंसेक्यूटिव सेशन तेजी देख रहे हैं और एक अनचार्टेड टेरिटरी में काउंटर जा चुका है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अगर ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे बने रहने की सलाह होगी, बट फ्रेश खरीदारी की सलाह इन लेवलों पर नहीं होगी। बेहतर होगा कि थोड़ा सा अवॉइड करें क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड यहाँ पर फेवरेबल नहीं है। फ्रेश खरीदारी के पर्सपेक्टिव से तो अवॉइड है, बट कोई होल्ड कर रहा है तो 2350 तक के लेवल्स के लिए होल्ड करके चल सकता है, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 2200 के नीचे का लगा के चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेडिको खेतान पर यह रणनीति आती हुई नीलेश जी की तरफ से। बजाज ट्विंस पे, जी हाँ, आप अगर देखेंगे तो बजाज फिनांस आज 4.25% की तेजी इस वक्त दिखा रहा है। बजाज फिनस में लगभग 2% की तेजी हम देख पा रहे हैं। अब खास तौर पे देखें अगर हम बजाज फिनस और बजाज फिनांस के ट्रेंड को, तो जब बजाज हाउसिंग से बेहतर संकेत थे, जब बजाज हाउसिंग चल रहा था तो बजाज फिनांस और बजाज फिनस में हमने मुनाफा वसूली देखी थी। आज बजाज ट्विंस चल रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि प्रेशर बजाज हाउसिंग फिनांस में नजर आता हुआ। चलिए नीलेश जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीलेश जैन साहब, स्वागत आपका, गुड आफ्टरनून। बताइए जरा, ये जो तिकड़ी है बजाज की, बजाज ट्विंस के साथ, अब तो बजाज हाउसिंग भी कह लीजिए, अब पहले बजाज फिनांस और बजाज फिनसर्व, इन पर रणनीति बताइए। आज तेजी के ट्रेंड की क्या सवारी की जा सकती है या आपको ऐसा लग रहा है कि जो कल गंवाया अभी उसकी रिकवरी में थोड़ा सा वेट एंड वॉच रहेगा? और दूसरा, बजाज हाउसिंग क्या लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी इन लेवल्स पे क्या एंट्री की गुंजाइश बन रही है, थोड़ा और करेक्शन का वेट किया जाए? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। देखिए बजाज ट्विंस की सबसे पहले बात करेंगे। बजाज फाइनेंस यहाँ पे एक क्रैक हमने परसों के सेशन में देखा था, उसके बाद कल एक रिवर्सल कैंडल बना था और आज एक फॉलो अप मूव हमें देखने को मिल रहा है। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है यहाँ पर और मेरे ख्याल से यहाँ पे 8000 तक के लेवल हमें बजाज फाइनेंस में शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर कोई फ्रेश खरीदारी के पर्सपेक्टिव से देख रहा है तो बेहतर होगा कि 7500-7400 की यहाँ पे डिप मिलती है तो ही ऐड करें, और ऊपरी स्तर पर अगर कोई ऑलरेडी होल्ड कर रहा है तो बिल्कुल बने रहने की सलाह होगी। 8000 तक के टारगेट के लिए 7400 का यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना होगा। बजाज फिनसर्व पर भी सिमिलर व्यू है, 1920-1950 तक का हम बजाज फिनसर्व में आता हुआ देख रहे हैं, 1850 की स्टॉप लॉस से यहाँ पर भी लॉन्ग पोजीशन है तो बने रह सकते हैं। देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो जिसकी लिस्टिंग के बाद हमने एकाएक स्पर्ट देखा था, हालांकि आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल रही है, बट लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर यहाँ पर अभी भी पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। अगर कोई नेक्स्ट 1 ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है तो मैं कहूंगा एक स्टैगर्ड वे में इसे खरीद के चल सकते हैं। इन लेवलों पर खरीदना थोड़ा सा मुनासिब नहीं होगा, थोड़ा सा बेहतर होगा कि टुकड़ों में खरीदें और नेक्स्ट 1 ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 220-250 तक के भी लेवल आते हुए नजर आ सकते। ठीक है, तो खास रणनीति बजाज हाउसिंग,
एक साल के नज़रिए के, जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि वहाँ के नज़रिए से बेहतर है, लेकिन इन लेवल्स पे अभी भी थोड़ा सा आपको रुकना होगा, उसके बाद एक राय बनानी होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। और